प्रिय छात्रों, कल पिछले टर्न में मैंने मानव के श्वसन तंत्र का वर्णन किया था, जिसमें कुछ छात्रों ने व्हाट्सएप में अवगत कराया कि उनको श्वसन की क्रियाविधि और श्वसन तंत्र समझ में नहीं आया। इसलिए पुनः आज मैं आप लोगों के समक्ष मानव के श्वसन तंत्र के अध्यापन हेतु उपस्थित हूं। प्रिय बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, लॉकडाउन होने के कारण कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। उसी क्रम में सुखदेव इंटर कॉलेज खागा में मैं विज्ञान अध्यापक शैलेंद्र सिंह आपके समक्ष उपस्थित हूं। श्वसन बात आई थी, श्वसन तंत्र, श्वसन मैंने आपको अवगत कराया था। श्वसन क्या है? प्रायः बच्चे समझते हैं कि ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, यह श्वसन क्रिया है, जबकि ऐसा नहीं है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न श्वसन एंजाइमों के माध्यम से संपन्न होती है। यह एक ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है, और वह एटीपी माइटोकांड्रिया, कोशिका के माइटोकांड्रिया में संचित होता है और हमको जैविक क्रियाओं करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। अर्थात ऊर्जा की पूर्ति कहां से होती है? इसी श्वसन क्रिया के माध्यम से होती है। अब चर्चा करते हैं श्वसन अंग। श्वसन अंग में अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। पिछले टर्न में भी मैंने बताया था, अब फिर बता रहा हूं। श्वसन अंग में जैसे ट्राइकिया, बुक लंग, गिल्स, फुफ्फुस, और त्वचा द्वारा भी श्वसन होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारे ये पांच जो है श्वसन अंग मुख्य रूप से हैं। एक कोशिकीय जंतु जो है वो विसरण के द्वारा, जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, अमीबा जो है जल में घुली हुई ऑक्सीजन को विसरण के द्वारा ग्रहण कर लेती है, और इस विसरण के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो है आदान प्रदान होता रहता है। चाहे एक कोशिकीय जंतु हो और चाहे बहुकोशिकीय जंतु हो, सभी श्वसन क्रिया करते हैं, क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हम उनको कहां से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण के द्वारा। अब यहां बात आती है त्वचा के द्वारा। जैसे आपने देखा होगा त्वचीय श्वसन, जो एनेलिड्स हैं, एनेलिडा में जैसे केचुआ, केचुआ क्या करता है? सतह में त्वचा के माध्यम, उनकी त्वचा कैसी होती है? लिसलिसी होती है, और ऑक्सीजन को त्वचा के माध्यम से विसरण द्वारा ग्रहण करते हैं। त्वचीय श्वसन, आपने मेंढक को देखा होगा, मेंढक में श्वसन त्वचा द्वारा, गिल्स द्वारा, फुफ्फुस द्वारा, तीनों प्रकार से होती है। जब लार्वल स्टेज होती है, टैडपोल लार्वा होता है मेंढक, तो टैडपोल लार्वा की अवस्था में वह गिल्स के द्वारा श्वसन करता है, और बड़ा हो जाता है तो आप देखे होंगे मड में, कीचड़ में धस जाता है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, गर्मी और अत्यधिक सर्दी पड़ने पर मेंढक कीचड़ में 2 फीट नीचे गहरे चला जाता है, जिसको क्रमशः ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता कहते हैं। क्योंकि ये असमतापी होती है, अधिक ताप होने पर बाहर रहेगा तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, और अधिक ठंडक पड़ने पर भी ये मर जाएगा, तो उससे बचने के लिए क्या करता है? कीचड़ में 2-2 फीट नीचे, 2.5 फीट नीचे अंदर कीचड़ में, जहां मड होती है वहां पर धंस जाता है, और जब उचित वातावरण होता है, टेम्परेचर सामान्य हो जाता है, तब यह बाहर आ जाता है। तो इस क्रिया को कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता। गर्मियों में जब अंदर जाता है ग्रीष्म निष्क्रियता, और शीत में जाता है तो शीत निष्क्रियता, और उस समय पर इसकी त्वचीय श्वसन होती है। इसी प्रकार से पानी में देखा होगा, डुबकी लगा देता है, काफी देर तक नीचे पड़ा रहता है, तो आराम से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को त्वचा के माध्यम से ग्रहण करता रहता है, तो त्वचीय श्वसन करता है। अब
बात आती ट्रैकिया और बुकलंग आर्थ्रोपोडा संघ के जितने जंतु हैं उनमें इंसेक्टा के ये सभी जगह पाए जाते हैं, जल थल और वायु तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं, इसलिए इनके लिए अलग अलग श्वसन अंग होते हैं। गिल्स से भी इनमें श्वसन होती है, ट्रैकिया में से होती है, बुकलंग से भी होती है, गिल्स से जो जलीय आर्थ्रोपोडंस हैं वो गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं। अगला है गिल्स जो दिया है तो इसका गिल्स में स्पेसिफिक यानी कि विशेष रूप से जो मत्स्य वर्ग के जंतु हैं इनमें गिल्स या गलफड़ों के द्वारा श्वसन क्रिया होती है जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब आती फुफ्फुसी श्वसन, यहां पर देखिए त्वचा के द्वारा एनेलिडा में, ट्रैकिया बुकलंग गिल्स आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा के बाद फिर गिल्स आया तो गिल्स चले गए किसमें, मत्स्य वर्ग में, मछलियों में, मछलियों के बाद अब फुफ्फुसी श्वसन आती है, फेफड़ों में श्वसन आती है, तो जब मछलियां फुफ्फुस यानी कि जब गिल्स के बाद मछलियां जल से कहां आ गई, थल में, तो थल में आ गई तो उनको घुली हुई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, उनको श्वसन के लिए फुफ्फुस ऑक्सीजन फुफ्फुसीय श्वसन या फेफड़ों द्वारा श्वसन होती है। तो उसमें एम्फीबिया यानी कि उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, एवीज पक्षी और स्तनधारी ये सारे जंतु जितने हैं ये सब कौन सी श्वसन अंग के द्वारा श्वसन करते हैं, फुफ्फुसी श्वसन करते हैं। तो मेरे समझ से आपको श्वसन अंग समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं मनुष्य के श्वसन अंग, मनुष्य में कौन कौन से श्वसन है इनको समझने की बात है। यह मैंने चित्र बना रखा है, यह मनुष्य का देखिए ये सर है, आंख है, ये यहां पर नाक और मुंह है, यहाँ जो है गला है, गला के नीचे जो है ये भाग कहलाता है थोरैसिक या कहें वक्ष भाग, इसके बाद उदर गुहा है, तो यहाँ पर जो वक्ष भाग है यहाँ पर एक खाली स्थान होता है और ये वक्ष गुहा बनाता है, मैंने पिछले टर्न में ही बताया था वक्ष गुहा किससे बनती है, इस अस्थि पिंजर का बनता है। इसमें अस्थि पिंजर क्या है, पीछे की तरफ हमारे क्या है रीढ़ जो है कशेरुक दंड है, कशेरुक दंड किसकी बनी हुई है, कशेरुकाओं की बनी होती है और ये कशेरुकाएं हमारे शरीर में जो होती हैं ग्रीवा कशेरुकाएं, मनुष्य में कितनी ग्रीवा कशेरुकाएं होती, 7। पेपर में कभी कभी आ जाता है कि ऊंट में कितनी ग्रीवा कशेरुकाएं होती हैं, उसमें भी 7 होती हैं। तो ऊपर वाली सबसे ग्रीवा कशेरुकाएं एटलस, उसी एटलस में ये हमारी खोपड़ी यो लगी रहती है, उसी में क्या कहते हैं खूंटीदार संधि के द्वारा ये घूमती रहती है, बात समझ में आ गई होगी। तो 7 ग्रीवा कशेरुकाएं हैं और ये ग्रीवा कशेरुकाएं यहां से प्रारंभ होती है, यहां से खोपड़ी हमारी शुरू होती है, ग्रीवा कशेरुकाओं 1, 2, 3, इसके बाद जो हमारा यहां पर देखिए ग्रीवा कशेरुकाएं 4, 5, 6 यहां से क्या शुरू हो जाता है, ग्रसनी शुरू हो जाती है, यहां पर कंठ द्वार है, ये क्या है कंठ द्वार। अब हम चर्चा करेंगे श्वसन अंग की ही स्पेशली चर्चा करेंगे, तो श्वसन अंग में यहां देखिए ये नासा मार्ग है, ये हमारे क्या है नासा मार्ग है, दो हैं दोनों नासा मार्ग और अंदर जाके एक गुहा बनती है जिसे नासा गुहा कहते हैं, ये अंदर खाली जगह है ये नासा गुहा है, ये गुहा जो जहां पर स्पॉट रखे हुए हैं ये क्या है नासा गुहा है, और ये नासा गुहा जो बनी है यहां पर अस्थियां होती है, ऊपर नीचे अस्थियों का बना होता है और ये अस्थियां कौन सी अस्थियां होती हैं, टर्बाइनल बोन या टर्बाइनल अस्थि, उन टर्बाइनल अस्थियों में ऊपर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि म्यूकस की एक झिल्ली लगी होती है, इस झिल्ली से म्यूकस यानी कि श्लेष्म का स्राव होता रहता है, श्लेष्म कैसा होता है जल की मात्रा पर्याप्त होती है उसमें लिसलिसा पदार्थ चिकना निकलता रहता, देखा होगा नाक बहती है वो क्या है वो मिश्रलस पदार्थ है, चिकना लिसलिसा पदार्थ है, तो ये इसमें इसका स्राव होता है जिससे इसकी जो जो है क्या कहते हैं नाक के अंदर जो नासा मार्ग है नासा गुहा है वो चिकनी और लसलसेदार बनी रहती है। अब नासा गुहा ये है, नासा गुहा आके यहां पर कहां मिलती, ग्रसनी में, ग्रसनी यहां पर है, ग्रसनी वह स्थान है जहां पर
हमारी आहार नाल मुख गुहा से, ये मुख गुहा है, मुख गुहा से आहार नाल को संपर्क होता है और नासा छिद्र जो है नासा गुहा बनाती है और नासा गुहा का भी उसी ग्रसनी के पास से संपर्क होता है। ग्रसनी से श्वास नली में चला जाता है कंठ और श्वास नली में, और मुख गुहा से ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रास नाल, ग्रास नाल के बाद आमाशय में चला जाता है। तो भोजन वाला आमाशय ग्रास नाल से संबंध है और श्वास नली का संबंध किससे है, हमारे नासा गुहा से। तो ये देखिए, ये है हमारे नासा गुहा, ये दिखाई दे रहा है नासा गुहा, ये नासा गुहा यहाँ पर आती कहाँ पर, ये आती है ग्रसनी के पास, यहाँ पर ये ग्रसनी है जहां पर मुख गुहा और नासा गुहा का अंतिम छोर जाके मिलता है और मुख गुहा का संबंध जो है सीधे ग्रसनी से होते हुए आहार नाल में क्या कहते हैं ग्रास नली में चला जाता है, और नासा गुहा का संबंध ग्रसनी के बाद कंठ होते हुए हमारे श्वसन नली में या श्वास नली में ट्रैकिया में चला जाता है। ठीक है, श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। अब आप देखें यहां पर ग्रसनी है, ग्रसनी के बाद फिर आता है कंठ द्वार, ये यहां पर देखा होगा ये जो ऊपर नीचे चलता रहता है, ये त्रिकोणीय आकार की दो अस्थियों का बना होता है, दो जोड़ी स्नायु की अस्थियों का बना होता है, स्नायुओं के बने होते हैं, इन्हें स्वर रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर रज्जु। और ये पीछे हमने बताया ना कशेरुका है, ग्रीव कशेरुका, चौथी पांचवी और छठवीं इन कशेरुकाओं के सामने स्थित होता है। अब कंठ के बाद क्या शुरू होती है, हमारी श्वास नली, ये पूरी श्वास नली है, ये बेलनाकार अंदर से खोखली, और इस श्वास नली में बीच बीच में देखिए ये स्पॉट है, काले काले जो स्पॉट है ये कार्टिलेज या उपास्थि के छल्ले, सी आकृति के छल्ले होते हैं, ये छल्लों का बना होता है जिसके कारण श्वास नली चिपकती नहीं है। ये जो छल्ले हैं काहे के बने हैं, सी आकृति के जगह जगह पर छल्ले हैं काले काले, ये बने होते हैं कार्टिलेज के या कहें उपास्थि के बने होते हैं, जिसके कारण श्वास नली चिपकती नहीं है, चिपक जाएगी तो श्वास का आवागमन बंद हो जाएगा, मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो ये ऐसी ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है। तो ये देखिए श्वास नली है, यहां से ये श्वास नली आती है, फिर देखिए दो भागों में बढ़ जाती है, यहां पर दो भागों में बढ़ गई, इनको कहते हैं श्वासनिया या ब्रोंकाई, दो बराबर भागों में बढ़ गई, एक दाएं तरफ चली गई और एक बाएं तरफ चली गई, दाएं तरफ और बाएं तरफ, इनको दोनों को कहते हैं श्वासनिकाएं या कहते हैं ब्रोंकाई, एक ये इधर दाहिनी तरफ एक बाएं तरफ। फिर इसके बाद इनमें शाखाओं से उपशाखाएं, उपशाखाएं से और छोटी छोटी शाखाएं, छोटी छोटी इनकी जो है ब्रांचेस बनती चली जाती हैं और ये ब्रांचेस पूरे फेफड़े में फैल जाती हैं, और जिनका संबंध होता है किससे, छोटी 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 कूपिकाएं होती हैं, यहां पर देखिए कूपिकाएं बनी है, ये हमने बताया था, जिनको एल्वियोलस कहते हैं और इसको एल्वियोलाई कहते हैं या कहें कूपिकाएं, एयर सैक्स, और इन्हीं में वायु एकत्रित होती है, इन्हीं में वायु जाती है और यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण होता है, अभी इसकी चर्चा बाद में करेंगे। यहां पर फेफड़े बने, अब फेफड़े स्थित कहां होते हैं, वक्ष गुहा, ये वक्ष गुहा बनता है, तो वक्ष गुहा में हृदय और फेफड़े दो अंग होते हैं, हृदय लगभग 13 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा, मुट्ठी के आकार का शंकुआकार होता है, ऊपर थोड़ा चौड़ा और नीचे पतला, और ये हल्के से बाएं तरफ होता है, मध्य भाग से हल्के से बाएं तरफ होता है, और हृदय का कार्य है रुधिर को परिवहन करना, पंप करना, और धमनी और शिराओं में निरंतर जो है रक्त का प्रवाह बना रहे। अब साथ में यहां पर हम रुधिर परिवहन तंत्र में इसकी चर्चा कर चुके हैं, श्वसन तंत्र की चर्चा करनी है, तो श्वसन तंत्र में जो ये छोटी छोटी उप शाखाएं ये आके यहां पर जो है कूपिकाओं से बनती है, इनकी जो है कूपिकाओं की संख्या भी मैंने पिछले टर्म बताया था करोड़ों में होती है, और इन कूपिकाओं में ये देखिए कूपिकाएं, जो ऑक्सीजन आती है यहां से ऑक्सीजन ली गई, और ऑक्सीजन कहां पहुंची, नासा छिद्र से होते हुए नासा गुहा में, नासा गुहा में होते हुए आती है ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कंठ में, कंठ के बाद ट्रैकिया या कहें श्वास नली में, श्वास नली से श्वासनिकाओं में, श्वासनिकाओं से फिर उनकी उपशाखाओं में, उपशाखाओं से उनकी और छोटी छोटी शाखाओं में, और अंत में जाके जो छोटी छोटी कूपिकाएं होती है वहां तक वायु पूरे जो है
फेफड़े में पहुंच जाता है। समझ बात आ गया होगा। अब फेफड़े की संरचना देख लीजिए। फेफड़ा देखिए ये बना हुआ है, यह स्पंजी, देखो स्पंज फूलता है और पचकता है, हल्के गुलाबी रंग का स्पंजी होता है और ये प्लूरल गुहक में, यहाँ पर इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली की बनी हुई एक झिल्ली होती है इसे, और उस झिल्ली के अंदर यह सुरक्षित होता है जिसे प्लूरल गुहा कहते हैं। इस प्लूरल गुहा ये दोहरी झिल्ली, इनके बीच में तरल द्रव्य भरा रहता है। यह तरल द्रव्य इन फेफड़ों की सुरक्षा करता है, आघात से बचाता है, और जब इनमें द्रव की मात्रा बढ़ जाती है तो प्लूरिसी नामक रोग हो जाता है। यहां कल हमने पिछले टर्म में चर्चा की थी। तो अब फेफड़े तक आप आ गए, यहां से नासा छिद्र से लेकर हम फेफड़े की कूपिकाओं तक पहुंच गए। तो जब कूपिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच गया, यहां से ऑक्सीजन क्या वायु लेते हैं, मिश्रण है, वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें 79% 79 कर लेंगे 79% क्या है नाइट्रोजन है, 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य सूक्ष्म मात्रा में गैसें होती हैं। इन गैसों का मिश्रण जो हम श्वसन लेते हैं तो क्या जाता है, इसमें विभिन्न गैसों का मिश्रण है, धूल के कण है, बैक्टीरिया है, सभी कुछ जाते हैं जो भी वायुमंडल में है। इस समय आपने देखा होगा COVID-19 की जो चर्चा करी जा रही है, जो विषाणु है वो कोरोना वायरस, यह विषाणु वायु के माध्यम से, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, इसी श्वास नली के माध्यम से अंदर प्रवेश कर जाता है और जाके अपना इन्फेक्शन करता है, जिससे गले में खराश, म्यूसलेज बन जाता है और म्यूकस इतना ज्यादा बनता है कि वो म्यूकस नाक के बाद यहाँ श्वास नली और श्वास नली के बाद जाके ब्रोंकाई तक को जो है ब्लॉक कर देता है, चोक कर देता है और श्वसन क्रिया बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है। और अभी तक इसका कोई इलाज सही नहीं ढूंढने मिला है। देखा होगा लाखों की संख्या में लोग मर चुके हैं पूरे विश्व में, अमेरिका जैसे विकसित देश में लगभग 60,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस से। ये किसको, किस तंत्र को प्रभावित करते हैं, श्वसन तंत्र को। निमोनिया है, जैसे निमोनिया होती, निमोनिया में भी क्या होता, पूरे चेस्ट ब्लॉक होता है, इसमें म्यूकस बनता है, पूरी श्वास लेने में दिक्कत होती है। निमोनिया है ये किससे इन्फेक्शन होता, बैक्टीरिया से। अब जैसे बैक्टीरिया है, धूल के साथ बैक्टीरिया है, तो जो यहाँ म्यूकस होती है उस म्यूकस में धूल के कण, बैक्टीरिया आदि चिपक जाते हैं और अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए प्रवेश कर जाते हैं तो ब्लड की, हमारे रुधिर की WBC क्या करती है, इन बैक्टीरिया का भक्षण कर लेती है और हमें जो है रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। तो यहाँ पर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिससे टीबी हो जाता है वो भी बैक्टीरिया है, वो क्या करता है फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, उचित समय पर अगर इलाज ना हुआ तो टीबी से भी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जो बैक्टीरिया है उससे न्यूमोनिया हो जाता है। तो ये जो है रोग की भी पिछले टर्म में चर्चा करी है, इसको हम यहाँ छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। श्वसन क्रिया में हम इस अंग के बारे में बता चुके हैं, मेरे समझ से यहां तक बन जाता है। अस्थिपिंजर बनता है, कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। अस्थिपिंजर का निर्माण, यहां पर हमारे क्या है रिब्स हैं, कितनी होती हैं 12 जोड़ी, और ये पीछे क्या है वक्ष गुहा में जो है हमारे कशेरु दंड की कशेरुकाएं हैं, 7 ग्रीवा कशेरुकाएं की 12 वक्ष गुहाओं की, 12 कशेरुकाओं से पीछे से ये हमारी जो है पसलियां जुड़ती हैं और ये पसलियां आके यहाँ पर, ये देखिए पसलियां हैं, ये पीछे कहां से जुड़ी हैं हमारी कशेरुक दंड के, थोरेसिक जो होती हैं वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री या जो है वक्ष कशेरुकाओं से जुड़ के पीछे से आती हैं और आगे एक चपटी स्टर्नम होती है, यहां पर एक जो है स्टर्नम होती है, उधर से आके स्टर्नम में जुड़ जाती है। और जो नीचे की है 12वीं और 11वीं जो पसली है ये जो है फ्लोटिंग रिप्स कहलाती है, ये आगे जाके स्टर्नम में नहीं जुड़ती, बात समझ में आ गई। तो ये फ्लोटिंग रिप्स यहां पर रहती हैं और ये क्या करती हैं, इस प्रकार से पीछे से आगे तक इस तरह से अस्थि पिंजर बना लेती हैं। अस्थि पिंजर से क्या होता है, ये सुरक्षित स्थान बन जाता है जिसको यहां से लेकर यहां से लेकर, और ये हमारा क्या बनता है वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के, और यहां
ये उदर गुहा, इसके बीच में डायाफ्राम है, ये क्या है, डायाफ्राम है, और डायाफ्राम के बाद यहां से उदर गुहा प्रारंभ होता है। इस उदर गुहा में हमारा पाचन तंत्र है और किडनी है, किडनी की भी सुरक्षा करता है जाके, 12वीं 13वीं जो वक्ष गुहा होती है, ये क्या कहते हैं, रिब होती है, वो जाके किडनी की भी सुरक्षा करती है पीछे से। तो उसकी चर्चा जब हम लोग रुधिर उसकी उत्सर्जन की करेंगे तब किडनी की चर्चा करेंगे। यहां पर मेरे समझ से ये श्वसन अंग आपके समझ में आ गया होगा। श्वसन अंग फिर से देखिए, नासा मार्ग, नासा गुहा, इसके बाद ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वासनिकाएं, श्वासनिकाओं के बाद जो है वायुकोश या कूपिकाएं, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा और करोड़ों की कूपिकाओं से ये हमारा जो है फेफड़ा तैयार होता है। अब श्वसन में यहां से चर्चा समाप्त कर दें। अब जो हमारा रुधिर है, हमने ऑक्सीजन लिया यहां से, वायु से हमने वायु ली, वायु कहां गई, फेफड़ों में, खो फेफड़ों की कहां पहुंची, कूपिकाओं में। ये कूपिकाएं हैं, ये देखिए कूपिका छोटी छोटी बनी हुई है, ठीक है, ये कूपिकाएं, और इन कूपिकाओं में कैसे ये रुधिर जो है विषाणु के द्वारा शुद्ध होता है। यहां पर ये देखिए, ये जो है जो तीर लगा हुआ ऊपर नीचे आ रहा है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड है, और ऑक्सीजन यहाँ पर इन कूपिकाओं में है। इन कूपिकाओं में जो ऑक्सीजन है, और ये कूपिकाएं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर डिफ्यूज कर लेती हैं, यानी कि विषाण द्वारा जो है चली जाती है, और ऑक्सीजन विषाण के द्वारा आरबीसी में मिल जाती है और रक्त ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, यानी कि जो रक्त है वह शुद्ध हो जाता है। यहां पर भी देखें, ये चित्र बना हुआ, ये देखिए एक जो है कूपिका का ये चित्र बना हुआ है, यहाँ पर ये अशुद्ध रक्त आ रहा है, अशुद्ध रक्त यहाँ पर प्रवेश किया, और अशुद्ध रक्त क्या हुआ, इसमें विषाणु के द्वारा कूपिका में अंदर प्रवेश कर गया, और जो शुद्ध रक्त है उसमें क्या हुआ, ये शुद्ध रक्त जो है जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसमें घुल गया, ऑक्सीजन घुल के ये शुद्ध हो गया, और शुद्ध होके ये जाके ये यहाँ पर पहुंच गया। अर्थात जब हम श्वास लेते हैं, और इसमें जो है रुधिर परिवहन तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण है, हमने आपको पिछले टर्म में हृदय का चित्र बनाया था, चलिए ये हृदय का रफ डायग्राम है, ये चार भाग हो गए, कितने चैंबर का होता है, चार वेश्म का, अग्र महाशिरा, चल नहीं रहा, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा, ये अग्र महाशिरा से पश्च महाशिरा से क्या होता, अशुद्ध रक्त कहां पहुंचता है, दाएं अलिंद में, ये ऊपर वाले भाग अलिंद और नीचे भाग नीलय, शंकुआकार आकार का ये है हृदय बना हुआ है, यहां पर अशुद्ध रक्त आता है और यहां से इनके बीच क्या होता है, त्रिवलन कपाट। हाँ एक चीज और ध्यान देने लायक है, दाया फेफड़ा बड़ा होता है, बाया फेफड़ा छोटा होता है, इसमें तीन लोब होते हैं, देखिए ये जो है कितने लोब्स हैं, तीन, और इसमें दो लोब होते हैं, यानी कि दो कोशिकाएं होती हैं। इसी प्रकार से जैसे हृदय में है, याद रखिएगा दोनों का बहुत गहरा संबंध है, हृदय में दाएं अलिंद और दाएं नीलय के बीच त्रिवलन कपाट, तो इधर की तीन जो है लोब हैं, उधर बाएं अलिंद और बाएं नीलय के बीच में द्विवलन कपाट, तो यहां पर बाएं फेफड़े में दो लोब हैं, दो जो है पिंड होते हैं, दो भागों में पिंड बचा, यहां दो तीन है, एक दो तीन, तीन लोब्स हैं। तो इस प्रकार से दायां फेफड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा छोटा होता है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा फेफड़ा बड़ा होता है, तो दायां बड़ा और बायां फेफड़ा छोटा होता है। अब वायुमंडल से जो हम वायु ले जाते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन जाती है, और जब यहां पर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है, इसके बाद वायु फेफड़ों से फिर बाहर फेंकी जाती है, जब फेंकी जाती है तो उसमें जो वायु जाती है तो सारी गैसेस का मात्रा वही रहती है, केवल अंतर किसमें आता है, कार्बन डाई ऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा में। ऑक्सीजन जो 21% होती है वो 17% वायु में पुनः हम छोड़ते हैं, ये भ्रम में न रहिएगा कि जो हम छोड़ रहे हैं बाहर वायु कार्बन डाई ऑक्साइड है, उसमें 17% ऑक्सीजन है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड है, और वायु में मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। तो इस प्रकार से जो है यहां पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन वायु में मिक्सचर के रूप में आती है और मिक्सचर के रूप में जाती है। अब जब हृदय में यहां पर देखिए अशुद्ध रक्त आया, अशुद्ध रक्त जो है जब
शालिंग पंप क्या करता है, प्रकुंचन करता है, निलय अनुशीतन करता है, ये पंपिंग होती है। इसको इस प्रक्रिया कहते हैं प्रकुंचन अनुशीतन, प्रकुंचन अनुशीतन। तो दोनों एक साथ भाग नहीं करते हैं, जब अलिंद प्रकुंचन करते हैं तो निलय अनुशीतन करते हैं, जब निलय प्रकुंचन करते हैं तो अलिंद अनुशीतन करते हैं। डायस्टोल और सिस्टोल दो प्रोसेस होती है, और एक डायस्टोल और एक सिस्टोल मिलकर एक धड़कन होती है, हृदय एक धड़कन करता है। तो जब धड़कता है तो जब ये अलिंद पिचकता है तो ये जब पिचकेगा तो क्या होगा, ये वाल्व खुल जाएगा, दाया अलिंद और दाएं निलय के बीच का ये वाल्व खुलता है, त्रिवलन का पार्ट खुल के रक्त कहां जाता है, दाएं निलय में। जब निलय प्रकुंचन करता है तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं, ऊपर रक्त जो अशुद्ध है जाने नहीं पाता। इसका संबंध कहां होता, फुफ्फुस धमनी में। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध, सभी धमनियों में शुद्ध, फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध। तो फुफ्फुस धमनी से कहां पहुंचता है, इसी फेफड़े में, ये फेफड़े में पहुंचता है, इन्हीं फेफड़ों में, और फेफड़ों में रक्त भरा रहता है, पूरा फेफड़ा किससे भरा रहता है, रक्त और वायु से। तो यहां पर जब रक्त पहुंचता है अशुद्ध, अशुद्ध का मतलब क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो रक्त है वो अशुद्ध है, और ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो शुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त पहुंचता है, और ये अशुद्ध रक्त आया, और अशुद्ध रक्त आके क्या है, ये कूपिकाएं हैं, कूपिकाओं में ये विषाणु द्वारा जो है घुल गई रक्त के अंदर, रक्त के अंदर घुल गई, और यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं भर गई, और जो श्वसन में ऑक्सीजन आई, उस ऑक्सीजन में ने क्या किया, आरबीसी से संयोग करके, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, और ये देखिए रक्त शुद्ध हो गया, और ये शुद्ध रक्त पुनः वापस पहुंच गया कहां, फेफड़े में, और फेफड़े से कहां आता है, फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से कहां आता है, दाएं अलिंद में, दाएं फेफड़े से और बाएं फेफड़े से, दोनों तरफ से, दोनों फेफड़ों से पहुंचता है हृदय में, यहां बीच में फेफड़ा है, फेफड़े के चारों तरफ क्या है, अरे सॉरी ये फेफड़ा है और यहाँ पर हृदय है, हृदय के चारों तरफ फेफड़ा है, फेफड़ा आगे से लेकर पीछे तक, और बीच में क्या है, यहाँ पर हृदय है, हृदय से जो है पूरा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध जाता है फेफड़े में और शुद्ध होके फिर हृदय में आता है, यहाँ पर शुद्ध होके आया और शुद्ध होके कहां आता है, जो बाया अलिंद है, बाया अलिंद से यहाँ पर कपाट होता है, इसे कहते हैं द्विवलन कपाट, इसीलिए मैंने कहा दाया है जो फेफड़ा है दो लोब का होता है, दो पिंडों का होता है, यहाँ पर कैसा कपाट है, द्विवलन कपाट है, बाइक्यूबसिड वाल, यहाँ पर ट्राइक्यूबसिड वाल, ये तीन पिंड का है, तो दाएं तरफ अलिंद निलय के बीच में कैसा वाल्व है, त्रिवलन कपाट है। ये बहुत सरल है, दोनों को एक तरह से समझ लीजिए। तो शुद्ध रक्त आया फुफ्फुस शिरा से बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से द्विवलन कपाट के द्वारा बाएं निलय में, और बाएं निलय ने जब प्रकुंचन किया तो यहां से पहुंचता कहां, महाधमनी में, और महाधमनी से शुद्ध होकर शरीर के प्रमुख भागों में पहुंच जाता है। तो ये क्या है, ये आपका रुधिर परिवहन और श्वसन तंत्र एक दूसरे के पूरक है, और दोनों की स्थिति कहां, वक्ष गुहा में। अब श्वसन क्रिया क्या है, अब श्वसन में आएंगे, ऑक्सीजन का पहुंचना समझ में आया, ये कहलाती है हमारी ब्रीथिंग। ब्रीथिंग शब्द का मतलब समझिए, ब्रीथिंग माने होता सांस लेना, ब्रीथिंग माने सांस लेना। इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक होती है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन इन माने अंदर, वायु को अंदर ले जाना इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन की प्रोसेस हो गई, जब वायु को हम अंदर फेफड़ों में ले गए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। अब देखिए इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में क्या है, इसमें यहां पर वक्ष गुहा की जो ये रिब्स के पास जो मसल्स हैं, ये इस जो है फिजिकल एक्सरसाइज में यानी कि श्वास लेने की क्रिया में सहायता करती है। साथ में डायाफ्राम, डायाफ्राम जब श्वास ऑक्सीजन लेना होता तो डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, जब नीचे चला जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो क्या होता है, हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है, जब आयतन बढ़ता है तो फेफड़े जब आयतन बढ़ेगा तो अपने आप वायु अंदर प्रवेश कर जाएगी, जैसे ड्रॉपर, ड्रॉपर में क्या है, दबाइए तो उसकी वायु बाहर निकल जाएगी, और जब छोड़ दीजिए तो आयतन बढ़ेगा, अपने आप वायु अंदर भर जाएगी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से यहां जब डायाफ्राम नीचे की तरफ आएगा तो क्या होगा, डायाफ्राम जब नीचे गया तो क्या हुआ, हमारा
जो है आयतन बढ़ गया वच गुहा का, आसानी से ऑक्सीजन जो है वायु अंदर फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और जब यहां से वायु को छोड़ना होता है तो क्या करते हैं इसको, तो क्या हुआ ये ऊपर टंगा, ऊपर जो है हमारा डायाफ्राम ऊपर गया, जब डायाफ्राम ऊपर गया तो हमारे वच गुहा का आयतन कम हुआ, तो जब कम होता है फेफड़ों में दबाव पड़ा तो जो वायु है कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है वो वातावरण में चली जाती है। तो ये हो गई हमारी ब्रीथिंग, श्वास लेने की क्रिया, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो यहां तक तो हो गई हमारी सांस लेने की बात। अब सांस लेने के बाद यहां पर ऑक्सीजन किसमें घुल गया, आरबीसी की हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन में घुलने के बाद रक्त शुद्ध हो गया और फेफड़े से कहां पहुंचा, दाएं अलिंद में फुफ्फुस शिरा में, फुफ्फुस शिरा से दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से महाधमनी में, महाधमनी से फिर अग्र महाधमनी, पश्च महाधमनी, उससे और छोटी छोटी धमनी और धमनी और शिराओं का पूरा जाल है, उस रुधिर परिवहन के द्वारा ऑक्सीजन घुल के पूरे शरीर के ऊतकों में और कोशिकाओं में पहुंच जाता है, सभी कोशिकाओं में पहुंच गया। और जब पहुंच गया ये देखिए केशिकाओं का जाल बचा, इधर क्या है ये शिरा है और ये लाल रंग का क्या है धमनी है, ये शुद्ध होके आया और शुद्ध होके यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ ये देखिए यहाँ पर बीचों बीच क्या है, इधर शुद्ध है और इधर अशुद्ध है। तो एक तरफ धमनियों का जाल और दूसरी तरफ केशिकाओं का, अरे क्या कहते हैं शिराओं का, पतली पतली महीन रेशे जैसी संरचना, ये क्या बनाती है केशिकाएं, और ये क्या है केशिका गुच्छ, क्या कहलाता है केशिका गुच्छ। इनसे जो ऑक्सीजन युक्त आया यहाँ पर, यहीं पर उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का यहाँ क्या होता है जो ऑक्सीकरण होता है, मिल गया। अब जब कोशिका में पहुंचा, अब जो हमारी ऑक्सीजन और का पूरे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश हो गया फेफड़ों के द्वारा, फिर रुधिर परिवहन के द्वारा कहाँ पहुंचा, पहले पहुंचा अंग तंत्र में, अंग तंत्र से पहुंचा अंग में, अंग तंत्र के बाद कहाँ पहुंचा ऊतक में, ऊतक के बाद कोशिकाओं में। यहां पर कोशिका पे रवा जाइए, अब कोशिका में यहां पर पहले से भोज्य पदार्थों के रूप में क्या आया है कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ है, इसमें कार्बोहाइड्रेट इसमें किसमें है कोशिका द्रव्य में। अब कार्बोहाइड्रेट में जो है चाहे जिस रूप में हो पचता है तो किसमें जाएगा ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में भले कन्वर्ट करते हैं लेकिन इस टूटेगा किसके रूप में ग्लूकोज के रूप में C6H12O6। तो अब इस कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है वो दो प्रक्रियाओं से गुजरती है, पहला है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है क्रेब्स चक्र। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र दो प्रक्रियाएं हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहां होती है कोशिका द्रव्य में, यहां पर ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है जो ये ग्लूकोज का एक अणु है ये पाइरूविक अम्ल के, ये किसमें पाइरूविक अम्ल के दो अणुओं में टूटता है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में क्या होता है ये ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल के दो अणुओं में टूटता है और इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विभिन्न एंजाइम उपयुक्त होते हैं किंतु इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। अभी हम मोटे मोटे तौर पर बता दे रहे हैं, उसके बाद ग्लाइकोलिसिस अगले टर्म में बताएंगे। तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया प्रश्न पूछा जाता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है कहां होती है कोशिका के कोशिका द्रव्य में। यहां पर बनता क्या है ग्लाइकोलिसिस में पाइरूविक अम्ल, क्या बनता है पाइरूविक पूछा जाता है, ग्लाइकोलिसिस में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं पाइरूविक अम्ल। और ये पाइरूविक अम्ल जब यहां पर बन जाते हैं कोशिका द्रव्य में तब ये प्रवेश करते हैं किसमें है माइटोकांड्रिया में। देखिए क्या है ये माइटोकांड्रिया, ये क्या है माइटोकांड्रिया। देखिए माइटोकांड्रिया में घुंडी जैसी संरचनाएं जो हैं इनको कहते हैं ऑक्सीसोम या F1 पार्टिकल, इसको कहते हैं F1 कण या F1 पार्टिकल।
साथ में ये जो उभार है उंगली जैसे, इसको कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है इसको कहते हैं मैट्रिक्स। समझ लीजिए, तीन चीजें याद रखिएगा, क्रिस्टी, ऑक्सीसोम, मैट्रिक्स, और इसमें डीएनए भी होता है। लेकिन यहां डीएनए का कोई कार्य नहीं है श्वसन क्रिया में, यहां वर्णन किसका करना है? क्रेब्स चक्र का। तो जो पाइरूविक अम्ल है ये प्रवेश कर जाता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है कौन सी क्रिया? क्रेब्स चक्र। और क्रेब्स चक्र में जब ये है अंतिम उत्पाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और ऊर्जा मुक्त होती है एटीपी के रूप में। हाँ, ग्लाइकोलिसिस की बात करी तो यहां पर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो अंतिम उत्पाद बनता है पाइरूविक अम्ल बनता है और चार एटीपी बनते हैं, जिसमें दो खर्च हो जाते हैं, दो एटीपी क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं, तो बचते कितने हैं? दो एटीपी। दो एटीपी का लाभ होता है। एटीपी क्या है? उपापचय जगत का सिक्का है। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। यहां जब क्रेब्स चक्र कंप्लीट होगा, यहां जब एटीपी बनेंगे तो हमारे जो ऊर्जा है किस रूप में संचित रहेगी? एटीपी के रूप में। और यही एटीपी, एटीपी क्या होगा? ये इनऑर्गेनिक फास्फेट के रूप में ऊर्जा मुक्त करेगा और एडीपी बनेगा, एडिनोसिन डाई फास्फेट, और ये फिर आके वन फास्फेट जुड़ जाएगा एटीपी। ये चक्र एडीपी, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट और एडिनोसिन डाई फास्फेट का ये चक्र कहां चलता रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब हम संक्षेप में आपको इसमें क्या कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को बता देते हैं, श्वसन क्रिया की, जिसमें ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 कौन सी क्रिया? ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। एजुकल टू क्या बनता है? CO2 प्लस H2O। तो यहां पर 6CO2 प्लस 6H2O बनता अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प। पिछले क्रम में मैंने बताया था श्वास क्रिया के साथ हमारी जलवाष्प निकलती है, लगभग एक दिन में 400 ml वाटर हम जो है श्वास के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। एक प्रश्न और आता है, हम मनुष्य का फेफड़ा एक मिनट में कितने बार जो है श्वास लेता है? मनुष्य कितने बार लेता है श्वास एक मिनट में? तो 12 से लेकर 15 बार हम श्वास लेते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? फूटते और पचकते हैं। एक मिनट में 12 से 15 बार हम श्वास लेते हैं, अंदर को ले जाते हैं, निकालते हैं। तो ये कुछ प्रश्न है, इसमें मेरे समझ में आ गया होगा। पहले है, हम वायु को नासा क्षेत्र के द्वारा, नासा गुहा होते हुए ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद जो है श्वास नली के बाद श्वासनिकाएं, श्वासनिकाओं के बाद जो है उनकी उपशाखाएं, और उनकी भी उपशाखाएं अंत में क्या होती हैं? कूपिकाओं या वायु कोष्ठों में वो पहुंच जाती हैं, और वायु सभी वायु कोष्ठों में समान रूप से वितरित हो जाती है, और वहीं पर पहुंचकर ऑक्सीजन क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो अशुद्ध रक्त आता है फेफड़े में, कहां से? दाएं निलय से होकर किसके द्वारा? फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी कूपिकाएं विषण के द्वारा जो है उसको निकाल जो है विसर्जित कर लेती हैं, और ऑक्सीजन जो आती है वायु के द्वारा उसको घोल देती है मिश्रण के द्वारा, और ऑक्सीजन युक्त जो है हमारा रुधिर हो जाता है, रुधिर शुद्ध हो जाता है, और फिर वो जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़े में जो वायु में जो है मिक्स हो जाती है, मिश्रण हो जाता है, उसको पुनः जो है एक्सपायरेशन के द्वारा कोशिकाओं से, पहले ब्लड फेफड़े में आया, फेफड़े से जो है हम बाहर वायुमंडल में छोड़ देते हैं। और इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 CO2 प्लस H2O, ये हमारा बनता है अंतिम उत्पाद श्वसन क्रिया में। अब श्वसन क्रिया में दो प्रक्रियाएं हमको आपको बतानी है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, जबकि आपके में शॉर्ट में है, इंटरमीडिएट में डिटेल में है। अब ये ग्लाइकोलिसिस अगले टर्म में, जो है क्रेब्स चक्र अगले टर्म में बताएंगे। इसके बाद इनके जो हमने पढ़ाए इनके प्रश्न उत्तर भी आपको करेंगे, उनके उत्तर बताएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है, लंबा हो रहा है काफी पीरियड,
और यदि नहीं समझ में आता है तो पुनः मुझको बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।